बिहारी को आपको कैंची कहीं नहीं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है। तो सोचिए कि जब दानाकाट के बारे में आदमी विधानसभा में पहुंचेगा, खेसारी लाल कराकट में आकर बीजेपी के सभी नेता के धूल चटाकर तब जवाब दिया कि यहाँ पर इससे पहले जो संसद बना था वो क्या काम किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस मोदी जी के नाम पर वोट पाकर जीत गया था। लेकिन जनता अब समझ चुका है मोदी जी के नाम पर वोट देने से कराकट में कोई विकास होने वाला नहीं है, इसलिए खेसारी लाल ने कहा है कि अब की बार पवन सिंह के ही वोट दो। और हकीकत भी यही है कि अगर पवन सिंह एक बार कराकट में जीत जाएगा तो यहाँ के कायापलट हो जाएगा। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक फिल्म सिटी भी बनाएगा और बिहार के समस्या क्या है संसद में पवन सिंह ये आवाज भी उठाएगा। बीजेपी का पूरा खानदान सब अभी पवन सिंह के हराने के लिए हेलीकॉप्टर से रोज भाई दिल्ली आता है, लेकिन पवन सिंह इन सब के लिए अकेला काफी है। एक तरफ है बीजेपी के पूरा खानदान और एक तरफ है भोजपुरी इंडस्ट्री का पूरा पावर। जितना भी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार है सभी कलाकार पवन सिंह के सपोर्ट में है और एक तरफ बीजेपी के पूरा पार्टी एक तरफ है। अब इन दोनों के महामुकाबला कराकट में अभी हो रहा है, देखिए अब विजय कौन होता है।